हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सबको बीपीएससी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताने वाला हूं। जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग दिसंबर 2024 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप सबको करके, चाहे आपका जून 2025 में एग्जाम होगा, अभी जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो दिसंबर 2024 के लिए, तो दोनों के लिए रहने वाला है। जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो आप सबको पढ़ के जाना है। तो देखिएगा, बीपीएससी 131 ये आपका सब्जेक्ट का कोड है और ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप देखेंगे बीपीएससी 131 ये आपकी बुक का नाम रहेगा, कोड है, बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। अगर मैं बात करूं तो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसे आप सबको पता भी होगा, ठीक है। और ये आपका जो एग्जाम होगा 3 घंटे का एग्जाम आपका रहने वाला है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पढ़ना बहुत जरूरत है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों को उत्तर देने। एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करना है। और ये 5 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हैं, 20-20 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। और 5-20 नंबर के लिए कम से कम आपको 4 पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, 4 पेज से कम मत लिखेगा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चन को आप पेन पेपर निकाल लीजिए और उस पर लिख लो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र और आर्थिक विकास संगत है या नहीं, अपना दृष्टिकोण दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो भाई, लोकतंत्र और आर्थिक विकास संगत है या नहीं, अपना दृष्टिकोण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच संबंध की जांच कीजिए, यानी जो स्वतंत्रता है और जो नियंत्रण है इसके बीच संबंध कैसे थे आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, रक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा की चर्चा कीजिए, यानी जो रक्षात्मक भेदभाव है उसकी आपको क्या बतानी है, अवधारणा बतानी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लिख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में परिवार और राज्य के संबंधों की व्याख्या कीजिए, यानी राजनीतिक जो सिद्धांत होता है उसमें परिवार और राज्य दो चीजें हैं, परिवार और राज्य के संबंधों की क्या करनी है आपको, व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा भाग दो में रहेगा, इसमें क्या पांचवा क्वेश्चन क्या देखिएगा, निम्नलिखित में लगभग 200 शब्दों पर आपको टिप्पणी करनी है। देखो जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन आता है ना, जो पांचवा ना, इसमें जैसे का और खा लिख रखा, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। ये नहीं आपको एक आता आपने लिख दिया और बाकी नहीं लिखा दूसरा, क्योंकि 10-10 का हो जाएगा। जैसे क्या है, नागरिक समाज, ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या, वैश्विक नागरिकता, ये नागरिकता वाला एक चैप्टर उसमें से आया है, ये 10 नंबर का हो जाएगा। टोटल यानी का और खा मिला करके टोटल आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जैसे इसमें का क्या है आपका, पितृसत्ता, ठीक है, और खा क्या है, बहुलवादी लोकतंत्र, यानी इसमें आपको दोनों करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे पितृसत्ता आती है और मुझे बहुलवादी लोकतंत्र का पता नहीं, तो ऐसे नहीं चल पाएगा, मुझे दोनों लिखना पड़ेगा अगर मैं लिखना चाहता हूं तो, ठीक है, क्योंकि 10-10 नंबर का रहेगा। 10 नंबर के लिए आप लोग एक काम करो, 2 पेज लिख दो और दूसरा जो खा है इसके 10 नंबर के लिए 2 पेज लिख दो, इस हिसाब से टोटल 4 पेज हो जाएगा। तो 20 नंबर के लिए वही मैंने आपको बताया, 4 पेज, 4.5 पेज इतना ही लिखेगा, इससे ज्यादा मत लिखेगा, ठीक है। अगला देखिएगा हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, संश्लेषण की परिभाषा के रूप में न्याय की जांच कीजिए, न्याय वाला जो चैप्टर ना उससे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन हमारा क्या देखेगा, असमानता के उदार औचित्य पर चर्चा कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, असमानता, समानता वाला जो चैप्टर उसी में से आया है, ठीक है। तो असमानता के उदार औचित्य पर चर्चा कीजिए, भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये मैंने आपको 1 साल का क्वेश्चन पेपर बता दिया, देख रहे हो जितना मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बताया। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन पेपर बताता हूं, देखिएगा अगला क्वेश्चन पेपर हमारा क्या, बीपीएससी 131 आपको पता ही होगा, और ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन, कब का है, दिसंबर 22 का क्वेश्चन पेपर है। देखिएगा बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय आपकी बुक रहेगी, 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, और एग्जाम में भाई आपको कुल 5 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, 8 आते हैं, 400 शब्दों में लिखना रहता है, ठीक है, 20-20 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन सारे पेन पेपर निकाल ही रखा है, तुम लिख लोग लिख ही रहे हो तो भाई लिखो, अगला क्वेश्चन बताते हैं, लिखो अगला क्वेश्चन हमारा,
सत्ता के वैध उपयोग पर एक टिप्पणी लिखी, यानी जो सत्ता का वैध उपयोग है उस पर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी करनी है। ठीक है, ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सत्ता का वैध उपयोग पर एक टिप्पणी लिखिए, शायद ये आपके पहले चैप्टर में क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक सिद्धांत मर गया है टिप्पणी कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसको भी आपको करके जाना है। क्या, राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, मृत हो चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी करके 20 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी आलोचना की चर्चा कीजिए। क्या है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी आलोचना की क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, समानता और स्वतंत्रता के अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए, यानी जो समानता है और जो स्वतंत्रता है उसके जो अंतर संबंध है उसको आपको बताना है। ये भी आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाग दो में क्या है भाई, पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्या करनी है, निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। जैसे का हमारा क्या है ना, सामाजिक न्याय, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको करना ही है। और खा हमारा क्या रहेगा, अधिकारों की प्रकृति, ये भी आपका कितने, ये 10 नंबर का है, का 10 नंबर का, खा 10 नंबर का, आपको दोनों लिखना पड़ेगा, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारों की प्रकृति। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी आपको वही करना है, निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में आपको टिप्पणी करना है। जैसे अगर आप का देखेंगे क्या है, लोकतंत्र के प्रकार, ये आपका 10 नंबर का हो गया। खा आपका क्या है, जेंडर का अर्थ, ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलाकर के आपका 20 का बनता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिएगा, नागरिकता के समुदायवादी सिद्धांत की चर्चा की, यानी नागरिकता का जो समुदायवादी सिद्धांत है वो आपको बताना है। और आठवां क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा आपका, राज्य और नागरिक समाज के अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए, यानी जो राज्य है और जो नागरिक समाज है उसके आपको क्या बताने हैं जी, अंतर संबंध बताने हैं। और ये आपका कितना नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ये भी आपका 20 नंबर का बनेगा। तो दो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिए और ये आपकी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और इनको क्या करना है, आपको करके ही जाना है, इनको एक भी क्वेश्चन को क्या है आपको छोड़ना नहीं, आने वाले एग्जाम के लिए क्या है, सारे इंपॉर्टेंट। अगला जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा ये भी देखिएगा, बीपीएससी 131, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो देखिएगा बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर है, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, वही सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बताई वही है। ठीक है, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन नोट डाउन करना है। तो देखिएगा खंड एक में देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी आलोचना की चर्चा कीजिए। क्या है, स्वतंत्रता की जो मार्क्सवादी आलोचना उसकी आपको चर्चा करना है, 20 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, अवसर की समानता से आप क्या समझते वर्णन कीजिए। क्या है, अवसर की जो समानता है उससे आप क्या समझते आपको बताना है, ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक न्याय क्या है समझाइए, ये भी आपका कितना, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित पर लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी करना है। देखो क्या है, का क्या आपका कानूनी अधिकार, ये 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और खा क्या है, अधिकार का कल्याणकारी सिद्धांत, ये भी 10 नंबर का, यानी चौथे में जो आपका का खा है ये दोनों मिला करके आपका 20 नंबर का बनेगा। तो आपको क्या है, एग्जाम में दोनों लिखना पड़ेगा, ही नहीं कि आपने एक लिख दिया और दूसरा छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला मैं आपको बताता हूं। देखिएगा खंड दो में देखिएगा क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, भारत में लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, यानी भारत में जो लोकतंत्र उसकी क्या आपको बताना है, मुख्य विशेषताएं बतानी है। ठीक है, और इसमें जो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 नंबर का। छठा क्वेश्चन देखिएगा, जेंडर और राजनीति के आपसी संबंध की चर्चा कीजिए, यानी जेंडर और जो राजनीति इसमें आपस में आपको क्या बताने हैं, संबंध बताने हैं। ठीक है, संबंध बताना है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है, नागरिकता के सिद्धांत एवं इसके विकास की चर्चा कीजिए, यानी नागरिकता का सिद्धांत क्या है और इसका विकास कैसे हुआ, ये आपको बताना है। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आप लोग लिख लो और पेपर में पढ़ के इतने चले जाना, हो जाएगा। ठीक है, और आठवां क्वेश्चन देखिएगा, राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंधों का, भाई राज्य और नागरिक समाज जो है इसके बीच संबंधों का वर्णन कर। देखो ये क्वेश्चन वैसे भी रिपीट हो गया है ना, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आप लोग इतने ही क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपका 100% पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन पेपर देखिएगा बीपीएससी 131। ठीक है, ये दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है, और इग्नू पहली बार जब पेपर हुआ था ना तब उसका पेपर है, क्योंकि बीच में कोरोना से पहले 2019 में सिलेबस बदल गया था। तो देखिएगा बीपीएससी 131। ठीक है,
राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। 3 घंटे का पेपर, 100 नंबर का पेपर रहेगा भाई, 5 क्वेश्चन करने जैसे हमको पहले बताया है। तो इसमें देखिएगा भाग एक में पहला क्वेश्चन, शक्ति के वैध उपयोग पर एक निबंध। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, शक्ति के वैध उपयोग पर निबंध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत मृत है या मर चुका है, ये भी दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता की कुछ समकालीन विचारों की चर्चा कीजिए, स्वतंत्रता के कुछ विचार बताने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता और समानता और स्वतंत्रता के अंतर संबंधों का परीक्षण कीजिए, यानी जो समानता है जो स्वतंत्रता है इसके आपको क्या बताने, अंतर संबंध बनाने, कोरिलेशन आपको बताना है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, जॉन रॉयल्स के न्याय के सिद्धांत क्या, विस्तार से भाई जॉन रॉयल का न्याय का सिद्धांत को आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, अधिकार के मार्क्सवादी उपागम की व्याख्या कीजिए, यानी अधिकार का जो मार्क्सवादी उपागम हो आपको बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सातवां देखिएगा, प्रतिक्रियात्मक यो मूल लोकतंत्र के बीच अंतर और भेद बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आठवां क्वेश्चन हमारा रहेगा, जेंडर से आप क्या समझते हैं समझाइए, ये आठवां क्वेश्चन। इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने आपको कम से कम काफी क्वेश्चन बता चुके हैं, 25-30 क्वेश्चन बताए हैं। जितने मैंने आपको क्वेश्चन बता रखे ना, जैसे अधिकार वाला चैप्टर है, जेंडर वाला चैप्टर है, न्याय वाला चैप्टर है, स्वतंत्रता वाला चैप्टर है, समानता वाला चैप्टर है, अधिकार वाला चैप्टर है, पहला दूसरा जो चैप्टर है आपका राजनीति वाला चैप्टर है, राजनीतिक सिद्धांत वाला चैप्टर है, ये सभी चैप्टर अगर आप लोग पढ़ के जाएंगे तो 100% आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप लोग कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं इग्नू में तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9034, मेरा नंबर लिख लेगा व्हाट्सअप का 9034 74, ठीक है, 9034 74 71 और 58। मैं दोबारा बोल देता हूं अपना व्हाट्सएप नंबर, इसमें मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा 9034 74 71 58 मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जहां से अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की क्लास लेनी है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। या आपको कोई और जैसे हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ना है या पॉलिटिकल साइंस ही पढ़नी है, किताब पढ़नी है, तो आप मुझे जरूर, बाकी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, पर डेली क्लास होती रहती है, ज्वाइन कीजिए, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो बताइएगा, और किसी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को मैसेज जरूर कर देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा या मैं आपको क्लास ही पढ़ा दूंगा, ठीक है।